कौन था बैरम खान जिसने मुग़ल सल्तनत बचाई, हुमायूं का सच्चा दोस्त और अकबर का संरक्षक बना। बैरम खान का नाम मुग़ल इतिहास में बड़े सम्मान के साथ दर्ज किया गया। इसकी कई वजह थीं। उनका कनेक्शन मुग़लों की दो पीढ़ियों से था, हुमायूं और अकबर से। भारत में मुगलिया सल्तनत को बचाने में बैरम खान का अहम रोल रहा है। हुमायूं की मौत के बाद अकबर की ताजपोशी और दिल्ली में वापस कब्जा करने के लिए बैरम का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। लेकिन यह विश्वास यूं ही नहीं बढ़ा, इसके पीछे पारिवारिक विरासत भी रही। बैरम खां का ताल्लुक तुर्क जनजाति से था। इनके पिता बाबर के साम्राज्य से जुड़े थे। उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए पिता सैफ अली बेग के बाद बैरम खां भी बाबर के दरबार में शामिल हुए। बैरम खां को साहित्य और संगीत से खास लगाव था। साहित्य और संगीत से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों के कारण वह जल्दी ही हुमायूं का करीबी बन गया। बाबर की मौत के बाद दोस्ती और गहरी हो गई। हुमायूं ने गुजरात के चंपानेर में जब किला फतह किया तो बैरम खां उनके साथ थे। इतना ही नहीं, चौसा में शेरशाह सूरी से जंग लड़ते वक्त भी बैरम ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। कन्नौज की जंग में भी बराबर से खड़े रहे। इन घटनाओं ने हुमायूं और बैरम के बीच की दोस्ती को मजबूत किया। 1556 में हुमायूं की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य पर खतरा मंडराने लगा। हुमायूं की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य के ही कई लोग बैरम के खिलाफ साजिश रचने लगे। ये वो समय था जब बैरम खां सबसे ज़्यादा चुनौतियों से जूझ रहे थे। उसी दौर में सूरी वंश के सिकंदर शाह सूरी की नज़र मुग़ल साम्राज्य पर थी और शहजादे अकबर की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। उस समय अकबर गुरदासपुर जिले में कलानौर के कैंप में थे और उम्र थी 13 साल। आनन फानन में 14 फरवरी 1556 में अकबर की ताजपोशी की घोषणा की गई। इतिहासकार और अकबर नवरत्नों में शामिल रहे अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, हुमायूं की मौत के बाद बैरम खां ने जिस चबूतरे पर अकबर की ताजपोशी की उसे तख्त अकबर का नाम दिया गया। उस दौर में बैरम को वकील और सल्तनत का दर्जा मिला हुआ था। ये मुग़ल सल्तनत के सबसे ओहदे में शामिल थे। अकबर को शहंशाह घोषित करने के बाद बैरम खां ने मुग़ल सेना की बागडोर संभाली। लेखक TCA की किताब अट ए डेट लॉर्ड के मुताबिक साल 1561 में जनवरी की आखिरी शाम को बैरम खां की गुजरात में हत्या हुई। हत्या करने वाला मुबारक खां लोनी में था, जिसके पिता को 1555 में माछीवाड़ा की लड़ाई में मुगलों ने मार डाला था। अकबर की जीवनी अकबरनामा में लिखा गया है कि लोहानी बैरम खां का सम्मान करने के लिए उसके गले लगा। इस दौरान उसने खंजर से ऐसा वार किया कि खंजर छाती के पार हो गया। बैरम खां की लाश स्थानीय लोगों को मिली, जिसका जिक्र गुजरात के पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब के पास लगे हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइन बोर्ड में किया गया है। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच वीडियो, धन्यवाद।